केजी क्लास में एक्सरसाइज 18 करेंगे। एक्सरसाइज 18 नंबर्स 21 टू 60 हम इसमें नंबर टाइम पढ़ेंगे। 21 से लेके 60 तक पढ़ेंगे। हम पहले 20 तक पढ़ चुके हैं, आगे देखो 21 से हम इसको रीड करते हैं। ये दिया है 21 और इसका नेम दिया है टी डब्ल्यू ई एन टी वाई 20 O N E 1 क्या हो गया 21। ऐसे ही 22 दे रखा है T W E N T Y 20 T W O 2 22 क्या हो गया 22। ऐसे 23 तो देखो T W E N T Y 20 T H R double E 3 23 T W E N T Y 20 F O U R 4 24 T W E N T Y 20 F I V E 5 तो क्या हो गया 25। वैसे ही T W E N T Y 20 S I X 6 तो क्या हो गया 26। वैसे T W E N T Y 20 S E V E N 7 27 T W E N T Y 20 E I G H T 8 28 T W E N T Y 20 N I N E 9 29 आगे देखो T H I R T Y 30 क्या दिया है ये 30। अब देखो आगे हमें 31 से लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे 31 स्पेलिंग लर्न करके फिर 1 तो क्या हो जाएगा 31, फिर 30 लिख के 2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 32, फिर 30 फिर 3 की स्पेलिंग लिखेंगे 33। ऐसे देखो आगे दिया हुआ है 31 तो पहले क्या लिखा 30 फिर क्या लिखा 1। देखो T H I R T Y 30 O N E 1 31 ऐसे T H I R T Y 30 T W O 2 32 T H I R T Y 30 T H R double E 3 T H I R T Y 30 F O U R 4 34 T H I R T Y 30 F I V E 5 35 T H I R T Y 30 S I X 6 36 T H I R T Y 30 S E V E N 7 37 T H I R T Y 30 E I G H T 8 38 T H I R T Y 30 N I N E 9 39 F O R T Y 40 क्या हो गया F O R T Y 40। अब आगे आपके हो गए 41 तो 40 की स्पेलिंग लिखिए 1 लिखेंगे, 42 तो 40 की स्पेलिंग लिखिए 2 लिखेंगे। ऐसे हमें मैथ लर्न करनी है अभी 60 तक। अब देखो आपको क्या दिया हुआ है 41 42 43 इन सब में देखो 49 49 तक क्या आ रहा है 40 40 40 40 40 सब में 40 आ रहा है। फिर देखो 41 लिखेंगे तो 40 की स्पेलिंग लिखिए फिर 1 तो क्या हो जाएगा 41। ऐसे 43 लिखेंगे तो 40 की स्पेलिंग लिखेंगे फिर 3 की स्पेलिंग लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा 43। ऐसे 45 40 लिखिए 5
57, 58, 59, यहाँ तक हो गया। 50 लिख के 9 तक लिखना है, 1, 2, 3 ऐसे 9 तक लिखना है, 59। फिर 60, ये डिफरेंट है तो ये आपको लर्न करनी पड़ेगी, एस आई एक्स टी बाई 60, क्या हो गया, एस आई एक्स टी बाई 60। तो आप इस मेथड को यही लर्न करना, 20, 30, 40, 50, 60 इनकी स्पेलिंग आपको क्या करनी है, लर्न करनी है। फिर 21 से लिखेंगे तो 20 लिख के क्या लगाएंगे, 1, 20 लिख के 2, ऐसे 30 से आगे लिखेंगे तो 30 की स्पेलिंग आएगी, उसके आगे 1 लगाना है, ऐसे इसमें 50 लिख के 1, 50 ऐसे आपको देखो 50 है, 50 के आगे कोई नंबर दिया हुआ हो 60 के बीच में, 50 और 60 के बीच में जैसे 55 किया हुआ हो तो आपको क्या लर्न करना है, 50 की स्पेलिंग लर्न करनी है, फिर उसके आगे 5 की लिखनी है, 50 की लर्न हो जाएगी तो उसके आगे आपको 5 की लिखनी है, तो क्या हो जाएगा वो 55। ऐसे आपको इनकी स्पेलिंग अच्छे से लर्न करनी है।